हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ की इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा है आपको फर्स्ट चैप्टर द पेस ऑफ लिविंग। इस चैप्टर के हम लोग पूरी की पूरी आज की क्लास में पढ़ाई करेंगे। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग समरी को देखेंगे कि इस कहानी के अंदर में हमारा है क्या। तो चलिए हम लोग इस क्लास को, आप लोग जो टेस्ट देने के लिए जुड़े हैं, उससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े हमारे साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हम आज के इस क्लास में आपको इस चैप्टर की पूरी पढ़ाई करेंगे, एक एक सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जिसका आंसर आपको देना है, क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट इस चैप्टर की पूरी पढ़ाई कल के मेरे PDF से किए होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका समरी जो है, इस कहानी में कहना क्या है, तो इसको मैं आपको एक हिंदी में समझा दूँ। तो इसलिए मैंने इसका एक आपको हिंदी रूपांतरण, इस कहानी का एक समरी आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग उसे समझेंगे। उसके बाद आप लोगों से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा। तो आप हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है, ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए। तो इसके हम लोग सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस चैप्टर की जो पेस ऑफ लिविंग जो हमारा चैप्टर है, इसके लेखक कौन है। तो इसके जो राइटर है वो है आर सी हर्चेन। इसके लेखक कौन है? आरसी हर्चेनसन, जिसके लेखक है दी पेस ऑफ लिविंग के। तो इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1907 को, जो कि लंदन में पड़ता है, और उसकी मृत्यु हुई थी 3 जुलाई 1975 को, जो आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट है। इसका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1907 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 3 जुलाई 1975 को। तो अब हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में हमको पढ़ना क्या है, मतलब इस कहानी जो लेखक है ऐसे है, ये हमारा एक प्रकार का ऐसे है। तो इसके अंदर में कहना क्या है द पेस ऑफ लिविंग के, तो हम लोग पहले इसके समरी को जानते हैं, वो भी हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में हम लोग इस कहानी को समझेंगे। इस कहानी के अंदर में लेखक कहने क्या चाहते हैं, और हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसी के आधार पर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका आंसर आपको देना है, वो जो है आपको इसमें ज्यादा सारी चीज बताई गई है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको सारी चीज आपको इस समरी में मिल जाएगी। तो आप लोग समरी को ध्यान से समझेंगे और उसकी कहानी को अच्छे समझेंगे कि इसमें हमको कहना, ये कहानी हमारा कहता क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी है, पहले एक जो है पूर्व में एक डबलिन में एक नाटक देखने गए थे। लेखक जो है कहा डबलिन में एक नाटक देखने गए थे, वो अपने उस अनुभव का वर्णन करें। लेखक कहाँ गए थे नाटक देखने के लिए? डबलिन। इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव है, इससे एक ऑब्जेक्टिव बनता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेखक कुछ दिनों पूर्व कहाँ गए थे? डबलिन में एक नाटक देखने गए थे, वो अपने इस अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। डबलिन में जो नाटक देखने गए थे, उसी का लेखक जो है इसमें अपना अनुभव दे रहे हैं। तो आप लोग इस कहानी ऐसे को अच्छे से समझिएगा। लेखक कहाँ गए थे नाटक देखने के लिए? डबलिन में एक नाटक देखने गए थे, वहीं से ये अपना अनुभव इस ऐसे के दौरान बता रहे हैं। नाटक का जो प्रमुख पात्र था वो एक क्रूर अनाज व्यापारी था। कौन था? क्रूर अनाज व्यापारी, एक प्रकार का एक अनाज व्यापारी था जो इसका एक प्रमुख था। तो अगर आपसे पूछा कि मेन कैरेक्टर इससे कौन थे, तो आप बताइएगा एक बूढ़ा अनाज व्यापारी। क्रूर मतलब हो गया हमारा बूढ़ा। तो नाटक का जो एक प्रमुख पात्र था वो एक बूढ़ा अनाज व्यापारी है, जो एक छोटे से आयरिश ग्राम में रहता है। कहाँ के ग्राम में रहता है? आयरिश के एक छोटे से ग्राम में रहता है। लेखक अपना अनुभव कर रहे हैं उस नाटक का, डबलिन के एक नाटक में जो देखने गए थे उसी का वो अनुभव कर रहे हैं। तो इसका प्रमुख पात्र कौन है? एक बूढ़ा अनाज व्यापारी है, जो एक छोटे से गांव कहाँ? आयरिश में रहते हैं। इसका गांव का नाम है आयरिश। आप लोग इस पॉइंट को जो मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से नोट करते जाएंगे, क्योंकि इसी से आपका ऑब्जेक्टिव अभी सारा का सारा बनेगा, और एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। तो लेखक कहाँ गए थे, कहाँ के नाटक का प्रस्तुत कर रहे थे? डबलिन के, और वहाँ के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। नाटक का जो एक प्रमुख पात्र है वो एक क्रूर अनाज व्यापारी, मतलब एक बूढ़ा अनाज व्यापारी है, जो एक छोटे से गांव आयरिश में रहता है। व्यापारी जो है अनेक उलझनों से ग्रस्त था। व्यापारी जो है वो जो एक अनाज व्यापारी था वो अनेक उलझनों से ग्रस्त था, तथा उसका हृदय कमजोरियों से पीड़ित था। वो जो अनाज व्यापारी था वो कैसा था? वो अनेक उलझनों से ग्रस्त था, मतलब से अनेक बहुत सारे उलझन थे, और उसके हृदय भी कमजोरी था, उसके हृदय में भी कमजोरियों से पीड़ित था, मतलब वो हृदय रोग भी थे, और उसके सामने बहुत सारे उलझन से ग्रस्त था, मतलब बहुत सारे टेंशन था, और उसके दिमाग में बहुत सारे टेंशन चलता था उस अनाज व्यापारी में। इसके बाद वो अपने भतीजे से सुख था, वो अपने भतीजे से क्या था? नाराज था।
और उनकी पत्नी जो है अवकाश के दिनों में अनेक कार्यों में मतलब अनेक कार्यों में अनावश्यक कार्य में 10 पाउंड खर्च करती थी। उसकी पत्नी जो है अगर कोई अवकाश होता था छुट्टी के दिनों में कोई भी कार्य में जिसका कोई अनावश्यक कार्य हो जिसका कोई काम नहीं है उसमें भी वह 10 पाउंड खर्च करती थी। तो ये पाउंड जो है हाँ यूनाइटेड किंगडम का जो है ये 1 पाउंड होता है। तो ये अनावश्यक रूप से कितने मतलब कि 10 पाउंड जो है अनावश्यक रूप से खर्च करती थी। अगर हम लोग 1 पाउंड का रुपया जोड़ेंगे तो वह हमारे देश में अभी करेंट के अनुसार 97.75 रुपये है। तो वह प्रत्येक दिन आवास के टाइम में बहुत पहले की कहानी है। तो उस समय जो इसकी 10 पाउंड की कीमत आप लोग लगा ही सकते हैं अभी के अनुसार वर्तमान कीमत के अनुसार कितने हो गए 950 रुपये। लेकिन उस टाइम के अनुसार बहुत ही ज्यादा ये रुपये होते थे। तो उसकी पत्नी अनावश्यक रूप से मतलब कि अनोखे खर्चों में अनावश्यक रूप से 10 पाउंड खर्च करती थी। उसके बाद उन लोगों ने उससे कहा मतलब कि इसकी जो पत्नी थी और उसके जो भतीजे थे इन लोगों ने उससे कहा कि अब विमान द्वारा 1 घंटे में 100 मील जाना अत्यंत सरल हो गया है। उन लोगों का क्या कहना था उन लोगों जो है मतलब कि उसकी पत्नी और उसके जो भतीजे थे वो सभी ने जो एक अपलोड अनाज व्यापारी था इसे कहा कि विमान द्वारा हम लोग 1 घंटे में 100 मील से भी ज्यादा का सफर कर लेते हैं। तो अनाज के व्यापारी के लिए अत्यंत तेज गति थी कि वो भी आशा में पड़ गए कि हम लोग कैसे विमान की सहायता से 1000 मील जो है आपको 1 घंटे में तैयार चले जाएंगे। तो उसके लिए वो एक आश्चर्य का विषय हो गया किसके लिए व्यापारी के लिए कि हम लोग 1000 मील कैसे 1 घंटे में चले जाएंगे और वो अत्यंत खुशी हो गए क्योंकि अनाज व्यापारी के लिए बहुत अत्यंत तेज गति थी। तो उसके बाद हो गया लेखक उस देश से अत्यंत मतमुग्ध हो गए जो उसके उसको जो बताया गया कि जो है अगर 1 मील 1 घंटे में हम लोग 100 मील तुरंत तय कर लेते हैं। तो इससे जो है दर्शक इससे जो है इस उसके जो लेखक के व्यापारी के जो व्यापारी के जो दृश्य थे उससे लेखक जो है मंत्रमुग्ध हो गए। तो लेखक ने उसी तेज गति के विषय में इसमें कहा गया है कि तेज गति हमारे लिए कभी हानिकारक भी हो सकती है कभी फायदेमंद भी हो सकती है। तो इसी के बारे में लेखक का कहना है कि लेखक को तेज गति से परहेज नहीं है। लेखक का कहना है कि आपको तेज गति से परहेज नहीं है। वह 90 मील प्रति घंटे की गति से कार चलाकर उसका आनंद लेता है। लेखक क्या करता है लेखक 90 मील जो है प्रति घंटे की गति से यहाँ 1000 मील तय करते हैं हम लोग प्लेन से लेकिन लेखक का कहना है कि हम लोग 90 मील प्रति घंटे की गति से कार चलाकर उसका आनंद लेते हैं। वह उस मशीन के प्रति सम्मान का भाव रखता है और जो तीव्र गति से लंबी दूरी तक पहुंचते हैं वो विमान यात्रा की भी प्रशंसा करता है जिसके द्वारा लंदन में भोजन तथा अगले दिन न्यूयॉर्क में जलपान करना संभव हो गया है। मतलब ये लेखक का एक प्रकार का क्या कहिए कि एक व्यक्त कर रहे हैं मतलब कि एक भावना को जिसको आप लोग एक समझिए। तो आप लोग उलहना टाइप में दर्शक मतलब लेखक बोल रहे हैं कि हम लोग अभी विमान यात्रा से 1 घंटे में लंदन मतलब कि जिसके द्वारा लंदन में हम लोग भोजन करते हैं और अगले दिन क्या करते हैं न्यूयॉर्क में जाके जलपान ग्रहण करते हैं। मतलब रात में हम लोग लंदन में थे और अगले दिन हम लोग न्यूयॉर्क पहुंच गए। इससे बस आपको क्या होता है इससे बस आपको एक किंतु एक बस कोतकपूर्ण मनोरंजन आपको मिलता है कि हम आज रात में लंदन है और दूसरे दिन हम लोग न्यूयॉर्क पहुंच गए। इससे हम लोग को क्या मिलता है इससे हम लोग को एक कतरपूर्ण मनोरंजन मिलता है और कुछ भी नहीं होता है। वही अगर हम लोग 90 मील प्रति घंटे की गति से कार चलाकर उसका आनंद लेते हुए जाते हैं लेकिन हम लोग प्लेन में ऐसा नहीं है। हम लोग अगर किसी कहीं सफर करने के लिए जाते हैं अगर गाड़ी से अगर आप लोग भी जाते हैं तो अगर हम लोग धीमे धीमे जाते हैं तो हम लोग को ज्यादा मजा आता है। अगर कार से 90 मील से भी जाते हैं तो भैया आनंद से उतने दूर के सफर को काटते हैं मनोरंजन के साथ। लेकिन वही अगर हम लोग प्लेन में बैठे और 1 घंटे में हम लोग 1000 मील चले जाए तो फिर वो हमको आनंद नहीं आएगा। जैसे हम लोग यहाँ 1 घंटे में 90 मील जाते हैं वही अगर हम लोग प्लेन से जाए तो 2 मिनट में हम लोग 90 मील की दूरी तय कर लेंगे। तो इससे हम लोगों को उतना मजा नहीं आया जितना हम लोगों को 1 घंटे में आता था। यही इस कहानी में लेखक का कहना है कि तेज गति से परहेज नहीं है लेकिन वो आनंद नहीं है तेज गति में जो आनंद हमें धीमी गति में आता है। तो यही इस कहानी में लेखक का कहना है मतलब कि इस कहानी का जो लेखक है उसका यही कहना है कि 90 मील प्रति घंटे की गति से हम लोग कार चलाकर उसका आनंद लेते हैं लेकिन वही दूरी अगर हम लोग प्लेन से तय करते हैं तो ये बस एक कौतुकपूर्ण मनोरंजन है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद लेखक का कहना है कि अतः हमारे जीवन में तेज गति स्वदेव उपयोगी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो है तेज गति स्वदेव उपयोगी नहीं होती मतलब कभी कभी होती है लेकिन स्वदेव नहीं होती है। हमारे पूर्वज इस प्रकार के तेज चालक अभ्यस्त नहीं थे। हमारे पूर्वज जो है इस तेज चाल के अभ्यस्त नहीं थे क्योंकि उस समय यातायात के इस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं थे। हम इस समय तथ्य की कृत्यागत पूर्व स्वीकार कर सकते हैं जब मस्ती की गतिविधियां किसी विशिष्ट दिशा की ओर संचालित हो तो ऐसे में
ऐसे समय में तेज गति एक हद तक विरोधी हो जाती है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से एक मशीन की चाल के अनुसरण नहीं करती है। तो इस प्रकार लेखक जीवन में तेज कदम से चलने का सुझाव देते हैं। वो इस बात से भी सावधान भी करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उसके समान मंद बुद्धि ना हो, तीव्र बुद्धि द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्ति किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मंद बुद्धि है और वो प्लेन की यातायात करता है तो वो उस गति से प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन वो तीव्र गति का तो उस तेज से चलेगा तो वो उस गति को प्राप्त कर लेगा, यह लेखक का कहना है। ये जो मैंने आप लोगों को अभी सारांश बताया, समरी बताया, इससे आपका बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी पूरे समरी पर आपका डिपेंड करता है। ये तीन लाइन का जो समरी है उसी पर आपका सारा डिपेंड करता है। मतलब कि आप लोगों को मैं समरी एक बार फिर से दिखा देता हूं ताकि आप लोग इसको समझ लेंगे। आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसी से आपका सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। मतलब डेवलिन में एक नाटक देखने गए थे, वर्षा परवर पर एक अनाथ व्यापारी जो आयरिस के ग्राम में रहता है और उसकी पत्नी अनावश्यक खर्च करती है। लेखक का एक सिंपल भाषा इस चैप्टर में कहना है कि उसको तेज गति से परहेज नहीं है, लेकिन वो आनंद हमें तेज गति में नहीं मिलते हैं जो हमें स्लो धीमी गति में मिलते हैं। ये हमारे लेखक का कहना है। तो अतः हमारे जीवन में इस प्रकार लेखक एक कदम सुझाव देते हैं और ये बात से भी सावधान करते हैं, कोई व्यक्ति उसके समान अगर मंद बुद्धि ना हो तो वह तीव्र गति से भी लक्ष्य को प्राप्ति किया जा सकता है। जो मंद बुद्धि का है वो धीमी गति से प्राप्त करेगा। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार है वो सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें कि आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। आज की क्लास में हम लोग किसी का भी स्टूडेंट का नाम नहीं लेंगे, आपको सिर्फ मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करूंगा जिसमें आप लोगों का आंसर जो सही है वो आपको बताऊंगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सिंपल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताई गई है, इसका आंसर आप लोग देंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। इसका समरी इसलिए आपको जानना था क्योंकि इसी से आपका सब्जेक्टिव और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव दोनों बनेगा। अगर क्वेश्चन चेंज करके वही पूछा तो आप लोग इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं अगर आप लोग कहानी जानते हैं तो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने इस तरह से समझाया है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग इस क्लास को एंड होने के बाद हमारे वीडियो को एक बार प्ले करके और देख लीजिएगा, हमारे प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को एक बार प्ले करके और देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन द एसे द पीस ऑफ लिविंग द कौन मंजेट इन। हमारा कहना है पहला जो क्वेश्चन है ये जो एसे है हमारा द पीस ऑफ लिविंग, इसमें जो है जो बूढ़ा मर्चेंट जो है अनाज व्यापारी वो क्या है, एक महत्वाकांक्षी मान मतलब एम्बिटियस मैन है, एक चिंतित मैन है मतलब एन एक्जियस मैन है, एन एडवेंचर्स मैन मतलब साहसी व्यक्ति है और एक है हमारा नन ऑफ दीज। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। ये जो ऐसे है हमारा द पीस ऑफ लिविंग, इसमें एक करण मर्चेंट जो एक अनाज व्यापारी जो है वो क्या है, एन एम्बिटियस एन एक्जियस मैन एन एडवेंचर्स मैन और एक नन ऑफ दीज मतलब एक महत्वाकांक्षी आदमी था कि एक चिंतित व्यक्ति था कि एक साहसी व्यक्ति है या नन ऑफ दीज। मैंने आप लोगों को कहानी के दौरान इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया था कि इसमें जो इस कहानी में जो हमारा दी कौन मर्चेंट है मतलब एक अनाज व्यापारी जो है वह क्या है। आप लोग इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में बताया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का मतलब समझ सके और क्वेश्चन को समझ सके क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को मैंने दो दो बार रिपीट कर दिया। इस कहानी का ये जो क्वेश्चन है इसका कहना है हमारा है कि एक जो अनाज व्यापारी जो दी पीस ऑफ लिविंग चैप्टर में जो एक अनाज व्यापारी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि इसमें जो कौन मंचे हमारा क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं, तो कुछ ए दे रहे हैं कुछ बी दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। ये जो ऐसे है दी पीस ऑफ लिविंग, इसके जो इसमें जो व्यक्ति है जो अनाज व्यापारी है वो एक चिंतित व्यक्ति है, वो हमेशा चिंतित है, वो अनेक रोगों से ग्रसित है, ना कि वह एक महत्वाकांक्षी आदमी है ना कि वह एक साहसी आदमी था। चलिए हम लोग अपने सेकेंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु वाज रिटेन द एसे द पीस ऑफ लिविंग। ये जो हमारा एसे है द पीस ऑफ लिविंग, इसके लेखक कौन है, जॉन डिक्स, आर सी हटचंस, सी में हमारा महादेवी वर्मा और डी में हमारा सत्यजीत राय। दोस्तों इसके जो लेखक है, आप इस चैप्टर के जितने भी चैप्टर के लेखक उसके लेखक के नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसी से पूछता है कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और अभी जितना भी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे इसमें टोटल 10 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है जो आपको इस चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो वह सभी 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ये सभी 2021 में इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये सभी पिछले साल आपको इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन के आप लोग आंसर देना चालू करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना दे चुके हैं, तो सही आंसर होगा हमारा बी नंबर, आर सी हटचंस। क्या होगा, आर सी हटचंस। जो लेखक है हमारा, इसके लेखक है आर सी हटचंसन।
अब हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है इन द पेस ऑफ लिविंग, ये जो कहानी हमारा द पेस ऑफ लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोन्सी, मतलब इसमें जो है लेखक जो है किसके पीड़ा के बारे में बात करता है, मतलब प्राचीन मतलब एनिशियंट अनसिविलाइज्ड असभ्य मॉडर्न आधुनिक और डी में हमारा फ्यूचर भविष्य के पीड़ा में। तो इन द पेस ऑफ लिविंग इस जो कहानी हमारा मतलब ऐसे है द पेस ऑफ लिविंग, इसमें जो है लेखक जो है कौन किस चीज के पीड़ा के बारे में हमें पकड़ता है, कौन सा पीड़ा हमें पकड़ता है, इसमें किसके बारे में लेखक हमारे कहे, मतलब प्राचीन असभ्य मतलब अनसिविलाइज्ड मॉडर्न या फ्यूचर, किसके पीड़ा के बारे में लेखक कहते हैं कि ये पीड़ा में पकड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना आंसर देना चालू कर दिए, तो कुछ बी दे रहे हैं कुछ सी दे रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट का अलग अलग आंसर हो रहा है। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट आंसर दे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें अभी के एक समरी में बताया था, क्योंकि समरी आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका सारा का सारा क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने समरी आपको हिंदी में समझा दिया ताकि आपको एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ना छूटे, क्योंकि आप लोग अगर क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को हिंदी में ज्यादा पकड़ होगा, इसलिए मैंने हिंदी में समझा के आपको सारे ऑप्शन का मैंने हिंदी ही बताया क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने समरी बताया। अगर आप लोग समरी स्किप किए होंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समझे। तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर आधुनिक मॉडर्न, क्या होगा इसका सही आंसर आधुनिक मॉडर्न। अब अपने फोर नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा फोर नंबर क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टर इन पीस ऑफ लिविंग विज द ऑथर, इसमें जो मेन कैरेक्टर है द पीस ऑफ ऑथर के वो कौन है, मतलब एक कौन मंचेड वॉज एल्डर एक बुजुर्ग है एंड हैंडीकैप्ट एक विकलांग व्यक्ति है एक युवा व्यक्ति है या एक डेविटिक व्यक्ति है। मैंने बार बार समरी के द्वारा रिपीट किया था कि इस जो कैरेक्टर है द पीस ऑफ लिविंग इसके मेन कैरेक्टर कौन है, तो विच इज द ऑथर वाज से ए एन एन, मतलब कि ए में हमारा अगर वोवेल रहेगा तो हमारा एन लगेगा और कॉन्सोनेंट रहेगा तो हमारा ए लगेगा, तो इसलिए हम लोग ए और एन दोनों यहाँ यूज किए हैं। अब आपको इसमें तो जो अच्छा लगे आप लोग लिखेंगे। तो डैश कौन मंचेट, इसमें तो द मेन कैरेक्टर द पीस ऑफ लिविंग विच द ऑथर सो वाज ए या एन डैश कौन मंचेट, मतलब बुजुर्ग हैंडीकैप युवा और मधुमेह। तो आप लोग अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ए आंसर दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी अपना आंसर जल्दी से दीजिए क्योंकि ये सभी मैंने आप लोगों को बताया था ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा थ्योरी बताया था कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर सके। तो सभी स्टूडेंट अपना आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप सभी अपना आंसर दे क्योंकि ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से इसी तरह से मतलब इंग्लिश की जब भी टेस्ट होगी, मतलब इंग्लिश के जब भी हम लोग का टाइम आएगा इंग्लिश पढ़ने का, तो हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। एक बार पहले उसका समरी देखेंगे कि उसका पूरा कहानी का मतलब क्या कहता है, उसके बाद उससे पूछने जाने वाले हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और उससे पूछे जाने वाले सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, वो भी एक दिन के ही क्लास में, मतलब आज के क्लास में हम लोग तीनों मतलब इस चैप्टर को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से मात्र एक दिन में ही तैयारी करवा देंगे। और आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे, इसको प्लेलिस्ट में सेव कर लेंगे, इसमें जितने बताई गई है समरी उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, कॉपी में भी नोट करते जाएंगे समरी को, समरी को कॉपी में नोट करेंगे जितने ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं। अभी तो आप लोग यहाँ टेस्ट दीजिए वीडियो को, फिर बाद में एक बार आप प्ले कीजिए फिर से, जब टेस्ट एंड हो जाता है तो आप लोग इस वीडियो को हमारे प्ले लिस्ट में जाके फिर से खोजिए और फिर से इसको प्ले लिस्ट कीजिए और फिर से इसके सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं, जो समरी बताई जा रही है इंग्लिश में, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाए, चैप्टर वाइज नोट्स बनाते जाए अपने कॉपी में, ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर से अगर कहीं से आपको पढ़ना हो तो, क्योंकि आपको इसी तरह से बताई जा रही है कि आपको एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर से। तो आप लोग को अभी आप लोग क्या टेस्ट दे, फिर एंड होने के बाद इस चैप्टर का आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे, कितने स्टूडेंट नोट्स बनाएंगे नीचे वो भी स्टूडेंट कमेंट करना चालू कर दे कि कितने स्टूडेंट इसके नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं। वो जैसे ही क्लास एंड होता है आप उसके समरी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के अपने कॉपी में एक नोट्स बनाते जाएंगे, कॉपी अलग से रखेंगे इंग्लिश का और उसमें सारे के सारे चैप्टर वाइज आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर, क्या होगा सही आंसर ए नंबर। तो जितने स्टूडेंट इसका नोट्स बनाएंगे वो सारे स्टूडेंट कमेंट करें, क्योंकि इसमें हम लोग टोटल 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं या पूछे जाते हैं, उसे एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पूछेंगे ही नहीं, तो क्या आपको बताया क्या करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके सामने है और आप लोग इसका नोट्स बनाने में आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको ही ज्यादा बेनिफिट होगा, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे फिर से वीडियो प्ले करके या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे आपको बनाना है वैसे बनाए, आप लोग फिर से वीडियो प्ले कर दे तो मैं जो भी बात बताऊंगा फिर आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने फाइव नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फाइव नंबर क्वेश्चन हमारा है, The author admits the quick travel does not give the travel of real dash of travel. मतलब इस लाइन जो कहना है, इसका हमारा कहना है कि हमारा जो त्वरित ट्रैवल होता है, मतलब कि जो हाई स्पीड यातायात होती है, वो हमको एक रियल क्या नहीं दे पाते, मतलब एक रियल क्या नहीं दे पाते, मतलब लेखक स्वीकार करता है कि एक त्वरित यात्रा मतलब तुरंत की यात्रा यात्री को वास्तविक डैश यात्रा का अनुभव नहीं देती है। मतलब कि एक जो आप लोग त्वरित यात्रा मतलब तुरंत की स्पीड यात्रा करते हैं, वो हमको वास्तविक डैश यात्रा की अनुभव नहीं देता है। मतलब कि पेन दर्द की, प्लेजर खुशी की, लिविंग जीवित की, और डी में हमारा होलीडे। क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक त्वरित यात्रा यात्री को वास्तविक डैश यात्रा की मतलब कि डैश नहीं देती है। मतलब कि मैं आपको अगर बताऊं तो आप लोग का आंसर ही हुआ हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को समरी में बताया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना चालू करें कि लेखक स्वीकार करता है कि त्वरित यात्रा जो है यात्री को डैश यात्रा का सुख नहीं देता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं सी, और बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं डी, और बहुत कम स्टूडेंट बी दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो बी दे रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त से भी पढ़ सके और अपने दोस्त से भी जान सके, क्योंकि मैं आपके लिए वैसी तरह से मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के सारे प्रॉब्लम मेरे द्वारा सॉल्व की जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर प्लेजर। क्या होगा, बी नंबर प्लेजर। अब अपने हम सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा है, आर्सी हेचन्स इज ए डैश नॉवलिस्ट। हमारा क्वेश्चन है सिक्स नंबर, आर्सी हेचन्स जो है एक डैश नॉवलिस्ट है। फ्रेंच, बी में हमारा ब्रिटिश, सी में हमारा चाइनीज, और डी में हमारा जर्मन। तो आर्सी हेचन्स जो है ये हमारे कहाँ के नॉवलिस्ट है, ये भी वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था। इसका सही आंसर होगा आप लोग बी नंबर, टिक कर लेंगे, और आप लोग इसका नोट्स भी बनाएंगे। सभी स्टूडेंट को मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर इंग्लिश में भी गेन कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर इंग्लिश तो हमारा मेन नहीं है, लेकिन अगर आप आगे जाके कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको देखा जाएगा कि आपका मैट्रिक में इंग्लिश में कितना नंबर है। तो आप लोगों को मैट्रिक में भी आप लोग इंग्लिश में टारगेट रखिए कि हम लोगों को 70% से अबव रखना है, ताकि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंपनी मिल सके, बढ़िया से बढ़िया जॉब मिल सके। क्योंकि आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के इंग्लिश का मैन नहीं है, लेकिन किसी भी कंपनी में अगर आप लोग जाते हैं तो वहां आपको इंग्लिश में मैन है, और वहां आपका इंग्लिश में भी मार्क देखेगा कि इंग्लिश में मार्क कितना आपको आया है। तो इंग्लिश भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इंग्लिश की पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा हमारा बी नंबर, ब्रिटिश। कहाँ के नॉवलिस्ट है, ब्रिटिश के। अब अपने सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन हमारा, द पीस ऑफ लिविंग इज ए या एन। ये जो कहानी हमारा देश और द पीस ऑफ लिविंग, ये हमारा क्या है, एक ड्रामा है, एक स्टोरी है, एक एसी है, और डी में हमारा है नॉवेल है। मैं बार बार इस चैप्टर के दौरान आपको रिपीट कर रहा था कि द पीस ऑफ लिविंग हमारा क्या है। तो इसका सभी स्टूडेंट सही आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए, मैं बार बार रिपीट कर रहा था, सभी स्टूडेंट का आंसर सही भी होना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सी, तो बिल्कुल आप सभी का सही है। इसका सही आंसर सही होगा हमारा सी नंबर, एसे। द पीस ऑफ लिविंग हमारा क्या है, एक एसे है, मतलब एक लेखक है, लेख है। अब हमारा एट नंबर क्वेश्चन है, द राइटर शो ए प्लेन। इसमें जो लेखक है किस चीज के प्ले को दिखाता है, न्यूयॉर्क, मतलब वो जो कहानी था राइटर, ये कहाँ के प्ले को मतलब कहाँ के नाटक को लेखक दिखाता है। मैंने आप लोगों को ये बार बार आप लोगों को बताया था, और शुरू के समरी के शुरू में ही मैंने आपको बताया था, दी राइटर शो ए प्लेन डैश। ए में हमारा न्यूयॉर्क, बी में हमारा लंदन, सी हमारा पेरिस, और डी में हमारा डबलिन। और मैंने आप लोगों को चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि लेखक कहाँ के चीज को दर्शा रहा है, कहाँ के नाटक को दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जल्दी से देना चालू करें, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग समरी को अच्छे से पढ़े थे तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना भी समरी में था उसी से सारा का आपका ऑब्जेक्टिव, और सारा ऑब्जेक्टिव आपका उसी से बनेगा। तो आप लोग आंसर अपना डी कॉमेंट करना चालू किए हैं, कुछ बी करना चालू किए हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट अपना अपना कॉमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट अपना अपना कमेंट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की और भी बढ़ना है, उसके बाद हमको आपका बुक दिखाना है। तभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मतलब 10 से
10 मिनट और लगेगा आपको ये चैप्टर को सॉल्व करने के, दो ऑब्जेक्टिव बनाना और बचेगा, उसके बाद हम लोग अपने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपना डी दे रहे हैं आंसर, तो बिल्कुल आप सभी का सही है, डाटा जो है डबलिंग का दर्शा रहा है, डबलिंग के दृश्य को दर्शा रहा है। अब अपने हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कभी कभी पूछता है, विच वर्ड स्टैंड फॉर वर्डशिप, यह हमारा वर्डशिप होगा, यहाँ हमारा वर्डशिप लिखा, तो ए में हमारा डिस्पायर, बी में हमारा स्पायरेट, सी में हमारा एस्क्रिप्ट और डी में हमारा एडोर। वर्डशिप मतलब कि इसमें से कौन सा हमारा पूजा का दूसरा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्यावाचिक शब्द, उसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, उसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिनोनेम। वही आपका यहाँ पूछा गया है कि इसमें जो है वर्डशिप का सिनोनेम्स कौन है, तो देखता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट सही देते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे, और मैं सभी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का आंसर वेट करता हूँ कि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट करें, ये बहुत कम ही स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, और सभी स्टूडेंट का आपको सही आंसर चाहिए कि सभी स्टूडेंट क्या जानते हैं और क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए आंसर दीजिए आप लोग सभी जल्दी जल्दी। तो आप सभी अपना आंसर बहुत कभी स्टूडेंट का सही, इसका जो सही आंसर होगा एडोर होगा, हमारा वर्डशिप का जो दूसरा शब्द है वो हमारा एडोर्स, आप लोग सिनोनिम्स मतलब जिसको हिंदी में आप लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं उसी को अंग्रेजी में हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं। तो इसमें जो वर्डशिप का जो सिनोनिम्स होगा वो हमारा होगा एडोर। अब चलिए हम लोग अपने 10th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मेन कैरेक्टर इन हिज प्ले, इस कहानी में जो है मेन कैरेक्टर कौन है जो एक प्ले कर रहा है, हिज नेफ्यू, हिज वाइफ, हिज सन और एक हमारा कौन मंचन। तो इसमें जो है इसका जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का वो कौन है, इस कहानी के मेन किरदार कौन है, मतलब इस कहानी जो पूरा है ये कहानी है वो किस पर आधारित है और उसके मेन किरदार कौन है, उसका पड़ोसी है, उसकी पत्नी है, उसका बेटा है या एक जो है व्यापारी है, इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का भी आंसर, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट किया था तो आप सभी का बिल्कुल इसका क्वेश्चन का आंसर सही भी होना चाहिए, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैंने आप लोगों को सारे समरी के साथ इस तरह से बताया है सिंपल भाषा में कि आप लोगों को सारी चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो आप सभी आंसर दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। तो जो स्टूडेंट पहले आप लोग आंसर बताए उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, तो आप लोग अपना आंसर गेस कर लिए होंगे। उसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर, कौन मंचेट, क्या होगा डी नंबर, इसका जो मेन किरदार है वो कौन है, एक बूढ़ा मकई व्यापारी, मतलब बूढ़ा व्यापारी जो है अनाज व्यापारी वही इसका मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। तो आप लोग इस पीस ऑफ लिविंग का आप लोग मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उसकी ओर बढ़ते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग नोट्स भी तैयार कर लेंगे क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ एक ब्रीफ करा देता हूँ कि ताकि आप लोगों को एक समझ में आ जाए, मैं ब्रीफ करके आपको बता देता हूँ, आप लोग बाद में इसका एक नोट्स बना लेंगे, इसका एक नोट्स तैयार कर लेंगे और आप लोग इसका सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी नोट्स तैयार कर लेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप लोगों को हो सके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में फिर से हमारे इस वीडियो को प्ले करके फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इस क्वेश्चन का ले सकते हैं, और सारे चीज का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बाद में नोट्स तैयार कर सकते हैं या बाद में आप लोग वीडियो प्ले करके सारे ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्टिव का एक बार, मतलब कि अभी आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो बाद में अगर आप लोग को टाइम मिला तो इसका आप लोग सेव करके रखेंगे, आप लोग इसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लेंगे तो बाद में आप लोग इसको प्ले लिस्ट बना के देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज द राइटर ओपिनियन ऑफ ट्रेवलिंग फास्ट, मतलब क्वेश्चन का कहना है कि हमारा जो राइटर है इस कहानी के उसमें जो राइटर जो हमारा फास्ट यातायात मतलब जो तेजी से यातायात है इसके बारे में लेखक का क्या कहना है, लेखक का क्या ओपिनियन है। ये क्वेश्चन 2018 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, यहाँ 2018 आप लोगों को दर्शाया गया है, 2018 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द राइटर मतलब लेखक का क्या ओपिनियन है इस ड्राइविंग मतलब फास्ट यातायात के विषय में। तो इसका आंसर होगा, द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न पीपुल हैज बिकम वेरी फास्ट, अभी का जो व्यक्ति का लाइफ स्टाइल है मॉडर्न व्यक्ति का, मॉडर्न पीपुल मतलब आधुनिक आदमी का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही आधुनिक है, मतलब एक बिकम है वेरी बहुत ही फास्ट है। नो वी हैव ग्रेटर फैसिलिटी ऑफ रिपेयरमेंट, जैसा जैसा हम लोग का टाइम बढ़ रहा है तो हमें नई नई फैसिलिटी मतलब एक एक अच्छी अच्छी सुविधा मिलने लगी है। इन द मॉडर्न एज, आज के आधुनिक एज में आयु में, आज के आधुनिक आयु या एज में
तेजी से फास्ट कार, तेजी से कार विकसित हो रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, एरोप्लेन हो रहे हैं, जो हमारे दूरी को नजदीक कर रहे हैं और हमें यातायात में कम समय लगा रहे हैं। आधुनिक चीज के लिए तो ये ठीक है, लेकिन लेखक के अनुसार ये चीज गलत था। तो आधुनिक समय के अनुसार ये चीज सही है और हमें सारी चीजें फास्ट हो रही है, मतलब मॉडर्न एज के अनुसार फास्ट कार्स हो रही है, ट्रेन, एरोप्लेन एंड कैरी अस टू डिफरेंट प्लेस, मतलब कि सभी चीजें से हम लोग यातायात जो है आसानी से डिफरेंट प्लेस बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। नो ए मैन डाइन इन लंदन, मतलब कि इस लेखक का नाम नो ए मैन, आज के समय में नो ए मैन डाइन इन लंदन, मतलब अभी व्यक्ति लंदन में है, रात में जो डिनर कर रहा है वो लंदन में कर रहा है और जो लंच है वो नेक्स्ट दिन न्यूयॉर्क में कर रहा है, मतलब आज रात में जो डिनर है व्यक्ति लंदन में किया और नेक्स्ट दिन जो वो सुबह का जो नाश्ता है वो कहाँ जाके किया, लंदन मतलब न्यूयॉर्क में, मतलब इतना कम समय लगे, मतलब आप लोग मीलों की दूरी जो है घंटों में हो रही है, मतलब रात में हम लोग लंदन में थे और नेक्स्ट दिन हम लोग रात में खाना हम लोग लंदन में खाए और दिन का नाश्ता हम लोग न्यूयॉर्क में जाके किए, ये हमारा फास्ट ट्रेवल है। फास्ट ट्रेवल गिव ए सेंस इन ड्रामा एंड फास्ट ट्रेवल जो हमें सेंस एक ड्रामा का एहसास दिलाता है, सेंस ऑफ ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ विच इफ एंसर लैक्ड, ये सभी चीजें हम बहुत सारे दर्शाते हैं। तो यही हमारा इस कहानी का लेखक है, इस कहानी में जो ट्रेविंग फास्ट है इसमें लेखक का ओपिनियन है कि फास्ट जो है मॉडर्न है वो वेरी फास्ट हो गया है, ये हमें एक बेटर अनुभव नहीं दे पाता जो हमें जो है स्लो मूवमेंट देता है, लेकिन आज के समय में मॉडर्न ही बहुत सारा चीज है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिख रहा है, आप लोग व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट पर लेके हाईलाइटेड आपको क्या हुआ है आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब अपने हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ डज दी क्लासीफाई हिमसेल्फ ऑफ थिंकर, ये क्वेश्चन आपसे 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। तो स्लो थिंकर मतलब कि ये क्वेश्चन आपको हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर, यहाँ आप लोग स्लो छूट गया, आप लोग स्लो लिख लेंगे, इसके ऊपर में आप लोग का क्वेश्चन है स्लो थिंकर, आप लोग स्लो थिंकर यहाँ मिसमैच हो गया, तो स्लो थिंकर के बारे में क्लासीफाई के स्लो थिंकर आप लोग यहाँ स्लो लिख लेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, आप लोगों के यहाँ स्लो छूट गया है तो आप लोग यहाँ स्लो लिख लेंगे, स्लो थिंकर, स्लो थिंकर के बारे में लेखक का क्या ओपिनियन है, लेखक का क्या कहना है स्लो थिंकर के बारे में। तो इसके जो लेखक है आरसी हटचेंस, इसका कहना है कि ही साइज दैट द ही कैन नॉट पीस अप द फास्ट थिंकिंग एंड मॉडर्न पीपल व्हेन दे गो द सिनेमा ही फाइंड्स डिफिकल्ट टू कीप अप रैपिड चेंज ऑफ सीन्स एंड एक्शन, जब वो सिनेमा जाते हैं देखने के लिए तो वहां से बहुत सारे चीज जो रैपिड चेंज होता है, मतलब तुरंत त्वरित चेंज की तरह से होते हैं, वही है हमारा स्लो थिंकर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ द सिनेमा, ये क्वेश्चन आपसे 2015 और 2017 के बीच दोनों में पूछा गया है। इसमें इस क्वेश्चन का कहना है कि सिचुएशन मतलब कि राइटर क्या अपने खुद के सिनेमा के किस सिचुएशन के बारे में दर्शाता है, तो सिनेमा में वो क्या देखता है उसी के बारे में लेखक यहाँ दर्शा रहा है, तो उसका सही इसका आंसर क्या होगा, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, 2015 और 2017 दोनों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे में भी पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा व्हेन द राइटर दी गोज द सिनेमा, जब राइटर जो है सिनेमा जाते हैं तो ही फाइंड हिमसेल्फ इन होपलेस सिचुएशन, वो बहुत सारे होपलेस सिचुएशन को देखते हैं, ही कैन नॉट फॉलो द फास्ट मूवमेंट, वो फास्ट मूवमेंट को फॉलो नहीं करते हैं और रैपिड चेंज द सीन्स एंड एक्शन, उसमें जो तुरंत चेंज होते हैं इसके फास्ट मूवमेंट को वो नहीं समझ पाते कि तुरंत तुरंत क्या चेंज हो रहा है, जैसा कि आप लोग अभी मूवी देखने जाते हैं तो उसमें रैपिड चेंज होता है, मतलब तुरंत तुरंत कहानी चेंज होता है, तुरंत तुरंत उसमें चेंजिंग होता है, लेकिन लेखक को ये चीज अच्छा नहीं लगता है। एंड ही हैज सिक्स टू वाइफ हेल्प इन द ऑर्डर कीप अप द विथ रैपिड मूवमेंट इन द, और हमें जो है लेकिन लेखक का ये भी कहना है कि हमें सिचुएशन के अनुसार ढलना होगा, जैसे अभी लोग आप लोग आधुनिक व्यवस्था चल रही है तो लेखक का ये भी कहना है कि हम लोगों को आधुनिक व्यवस्था के अनुसार ढलना होगा, तो अभी हम लोग का फास्ट मूवमेंट चल रहा है तो हम लोग फास्ट के अनुसार ही ढलना भी होगा। अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हु आर द टोकन इन द विच थिंकर्स हु आर द स्लो थिंकर हैपेंड टुडे, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया और आपके बुक में भी ये सारा क्वेश्चन होगा, तो सारे बुक के क्वेश्चन को आपको यहाँ सॉल्व किया गया है, तो आप लोग इसको वीडियो को बैक करके या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो स्लो थिंकर मींस द पर्सन प्रोसेसिंग स्लो माइंड, मतलब स्लो थिंकर का मीन क्या होता है, आदमी का जो माइंड होता है वो प्रोसेसिंग क्या होता है, एक स्लो की तरह मतलब एक धीमी अवस्था में होती है। और दी राइटर एंड अदर हु कुड नॉट कॉप, राइटर और कोई भी चीज उसको क्रॉप नहीं कर पा सकता, उसके थिंकिंग पावर को एहसास नहीं कर सकता है आज के समय में,
अगर आप आज अगर आज के समय में लेखक ना, अगर आज के समय में अगर आप पीछे रहते तो आप लोग बहुत पीछे रहेंगे, मतलब मंद बुद्धि में ही रहेंगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। स्लो थिंकर का आज के समय में क्या घटा है, जो जो धीमी सोच रखते हैं, मतलब डिसएडवांटेज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2016 में पूछा गया भी है कि एक जो स्लो थिंकर्स होते हैं इसका मॉडर्न वर्ल्ड में क्या डिसएडवांटेज। अगर आप धीमी सोच रखते हैं, मतलब सिचुएशन के अनुसार, आज के समय में अगर आप सिचुएशन के अनुसार फास्ट नहीं होते हैं और धीमी सोच रखते हैं तो इसके अनुसार आपका मॉडर्न वर्ल्ड क्या होता है, मॉडर्न वर्ल्ड में इसका क्या डिसएडवांटेज है। तो अकॉर्डिंग टू आर हेडसन, रेखा का कहना था कि हमें सिचुएशन के अनुसार ढलना होगा। अकॉर्डिंग टू आर हेडसन, स्लो थिंकर्स हैव सफर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। स्लो थिंकर जो है मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी चीज की परेशानी को झेलेंगे, सफर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब जो सीखो स्लो थिंकिंग है वो सफर बहुत सारी चीजों को मॉडर्न वर्ल्ड में एहसास करेंगे, धीमे सोचेंगे। दे कैन नॉट एडजस्ट, ये जो है कभी भी एडजस्ट देयर मेंटल एक्टिविटीज, ये अपने कभी भी मेंटल एक्टिविटीज को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं रैपिड इन द मॉडर्न लाइफ। सो दे आर टेरिबली हैपेंड द गेटिंग एयर लिविंग, अब दे आर लेफ्ट बिहाइंड द रेस ऑफ गुड जॉब्स, वो पीछे हो जाएंगे गुड जॉब के, एक अच्छे जॉब के रेस से वो पीछे हो जाएंगे। ये है डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो अकॉर्डिंग टू आर हेडसन के अनुसार कहना है कि अगर स्लो आदमी समय के अनुसार चेंज नहीं होता है तो वो बहुत सारे परेशानी को झेलेगा, वो आज के समय में मेंटल एक्टिविटीज को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो बहुत सारे चीजें के परेशानी हैंडीकैप के तरह हो जाएगा, गेटिंग ए लिविंग। सो दे आर टू बी हैंडीकैप, मतलब एक अपाहिज के तरह आज के समय में हो जाएगा। अगर आप लोग स्लो थिंकिंग रखते हैं, धीमी सोच रखते हैं कि ये काम करेंगे और वो काम दूसरा आदमी लेके चल जाएगा, तो ये है इस कहानी में लेखक का कहना कि अगर आप एक स्लो थिंकिंग रखते हैं तो एक आप अपाहिज के तरह हो जाते हैं आज के समय में। अगर आप धीमी सोच रखते हैं ये काम होगा, आज होगा, कल होगा, तो आप लोग बहुत सारी चीजें पीछे हो जाएंगे और आप लोग जो है एक बढ़िया जॉब, एक जो आपका मेन अच्छे टारगेट है, गुड जॉब है, जो आपका एक अच्छा टारगेट है, उससे आप लोग पीछे हो जाएंगे और वो कोई और उस जगह को चले जाएगा। तो ये है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर, जो धीमी सोच रखते हैं उसका मॉडर्न वर्ल्ड में यही डिसएडवांटेज है। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे कि आप लोगों को फास्ट होना है ना कि स्लो होना है, कि आज हम नोट्स बना लेंगे कल नोट्स बनाएंगे। तो यही इस कहानी के लेखक कहना है कि अगर आप लोग स्लो थिंकिंग रहता तो आपसे बहुत, मतलब क्या, अगर आज बनाए, आज आप लोग पढ़े और आज ही अगर इसका नोट्स बना लेंगे तो फिर कल जो पढ़ाएंगे कल आपको नोट्स बना लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे आज बनाएंगे कल बनाएंगे तो फिर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का बोझ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रोज क्लास लेते हैं तो आज भी नोट्स बनाएंगे कल भी नोट्स बनाएंगे, तो बहुत सारी चीजों का आपको लोड पड़ जाएगा और आपसे वो छूटने लगेगा। तो वही डिसएडवांटेज स्लो थिंकर का, तो आप लोगों को फास्ट बनना है अगर अभी पढ़ाए तो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो जैसे ही क्लास एंड होता है फिर से आप वीडियो का रिमाइंड करके फिर से आप लोग इसको पढ़ लें, फिर से सारी चीजों को समझ लें, सारे क्वेश्चन को अपने बुक में नोट कर लें, तो ही आप इसको बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डर कॉर्मनचेन, वो जो एक अनाज व्यापारी था उसके बारे में कुछ सेंटेंस आपको लिखने के लिए कहा था, या आपसे पूछ सकता है स्केच ऑफ कैरेक्टर ऑफ कॉर्मनचेन, मतलब कॉर्मनचेन जो अनाज व्यापारी था उसके बारे, उसके कैरेक्टर के बारे में लिखे। ये क्वेश्चन 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा द एल्डर कॉर्मनचेन, द एल्डर कॉर्मनचेन वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले व्हिच इज द राइटर वाज वाचिंग इन डबलिन, ही लिव इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री, वो एक छोटे से गांव आयरिश कंट्री में रहते थे, ही वाज ए मैन ऑफ एनेक्सटिच, हिज हार्ट एज डकी एंड ही वाज ए वेरी टेंशन बिकॉज ही इज द वीक हार्ट, वो बहुत सारे टेंशन में रहते थे, वो उसको बहुत सारी परेशानी थी। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एलेजमेंट ऑफ द राइटर स्पीक ऑफ हिज वाइफ, या व्हाट डज ही सजेस्टेड अबाउट द प्लॉट ऑफ द मॉडर्न मैन 2015, मतलब कि पत्नी का क्या कहना था उसके पति को, अनाज व्यापारी को, मॉडर्न के अनुसार। द राइटर सेज दैट द विनर्स गो द पिक्चर ही फाइंड्स हिमसेल्फ टोटली कंफ्यूजन, वो जो वहां पिक्चर देख रहे गए तो उसको सारी चीजें कंफ्यूजन ही थी, उसके लिए अभी तक वो सारी चीज कंफ्यूजन ही है मूवमेंट है इसके लिए। ही इज एक्ट वाइफ वेदर द गर्ल वाइल वॉचिंग इज द सिनेमा ही वाज द सो सो फर्स्ट, ही वाज द सो फर्स्ट। तो ये आपका टोटल 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, और ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है कि हमें आज के आधुनिक समय के अनुसार ढलना होगा, आज के आधुनिक समय के अनुसार उनको फास्ट होना होगा, नहीं तो हम लोग पीछे हो जाएंगे और हमारे हाथों से एक गुड जॉब, एक अच्छी जॉब छीन जाएगी। तो आप लोगों को मॉडर्न बनना है, मॉडर्न सभ्यता के अनुसार चलना है और आज के समय के अनुसार अपने आप को ढालना है, पीछे के बुद्धि को आपको नहीं रहना है और आज के समय के अनुसार आप लोगों को ढालना है, यही इस कहानी से सीख है। और आप लोग यही इस कहानी से यही चीज सीख लेंगे कि हमें मॉडर्न सभ्यता के अनुसार ढालना है और मॉडर्न अनुसार चलना है।
अगर आप लोगों को यहाँ तक किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, और आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लेंगे क्योंकि आपके सभी चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको एक अच्छी भाषा में आपको समझाई गई है, अच्छे तरह से समझाई गई है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और आप लोग को ये समझ में आए तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त आपके इस चैप्टर को पढ़ सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आज की क्लास को हम लोग यही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त सब भी पढ़ सके। इस चैप्टर का पूरा आपका एक्सप्लेन इसी वीडियो में है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कल साइंस के विषय में, जिसका प्ले लिस्ट आपको वीडियो डिस्कशन में सारी चीज आपको क्लास के बाद बताई जाएगी। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।